स्टूडेंट वेलकम बैक टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला मायसेल्फ सुनील भारद्वाज टुडे आई विल टीच यू बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ाने से पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको क्या कराया थोड़ा उसको देखते हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो सर्कुलर मोशन के ऊपर थी। सर्कुलर मोशन के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास में था थीटा। थीटा हमारे पास में क्या था बेटा आर्क ओवर में क्या था हमारे पास में रेडियस। क्या था हमारे पास में रेडियस। तो ये हमारे पास में हो गया था। फिर मैंने पढ़ाया था आपको एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताया था। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में क्या थी। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में थी कि हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास में डी थीटा ओवर में क्या हो जाएगा डी टी। इसको हमने ऐसे भी कहा था डेल्टा डेल थीटा अपॉन में डेल टी। इस तरीके इस फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में कराया था। एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते थे तो इसको मैंने लिख दिया था डी स्क्वायर थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास में इस तरीके का क्या आया था एक तरीके से फॉर्मेट आया था। तो उसके बाद में मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था कि रिलेशन हमारे पास में क्या था फ्रिक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन था विद टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर में टी था। तो इसको ऐसे भी लिखा था 2 पाई न्यू। तो ये रिलेशन भी आप याद रख लेना कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा क्या चीज थी बेटा इसको क्या नाम दिया एंगुलर वेलोसिटी नाम दिया था। क्या नाम दिया था एंगुलर वेलोसिटी। किसी किसी बुक में स्पीड भी लिखा होता है और न्यू क्या थी हमारे पास में फ्रिक्वेंसी थी। क्या चीज थी फ्रीक्वेंसी ये याद रखना ठीक है। उसके बाद में आपको एक रिलेशन कराया गया था। नेक्स्ट रिलेशन था आपका लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हमने वी डिनोट की थी तो ये था आर ओमेगा ठीक है। ये हमारे पास में एक रिलेशन था। आर क्या थी आर इज द रेडियस रेडियस वेक्टर। और हमारा मैंने इसको आपको वेक्टर फॉर्मेट में भी कराया था। वेक्टर में हमने लिखा था इसको आर क्रॉस डब्ल्यू मींस ओमेगा। तो ये हमारे लास्ट वीडियो के क्या थे हमारे कुछ कंसेप्ट थे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था कि मैंने कहा था व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड या वेलोसिटी तो इट मींस इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली ठीक है ड्यू टू द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे जैसे आपकी मोशन की डायरेक्शन क्या होगी चेंज होगी वैसे वैसे हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी चेंज होगी। इट मींस द एक्सेलरेशन एक्स रेडियली इनवर्ट टू द या रेडियली इनवर्स टू द सेंटर ठीक है या एक्स टू द सेंटर ऑलवेज एक्टेड इन द टूवर्ड्स द सेंटर ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमना इज नोन एज क्या कहेंगे उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ ए हमारे पास में एक्सेलरेशन हो गया तो इसको मैंने बात की थी वी स्क्वायर अपॉन में आर दिस इज द फॉर्मेट। लेकिन इसको और मैंने बताया तो वी की वैल्यू क्या चीज है हमारे पास में ये हो जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में बेटा आर ओमेगा स्क्वायर दिस इज द सेंट्रीपिटल। लेकिन न्यूटन्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की मैं बात करता हूँ तो सी एफ मैंने डाल दिया तो क्या आ जाएगा एम ए सी कह देता हूँ इसको सी। तो सेंट्रीपिटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक ये भी फॉर्मेट होता है ज्यादातर आप इसको इस तरीके से पढ़ते हो इस फॉर्मेट में देख रहे हो तो इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये हमारे पास में केस था हमारे पास ये सेंट्रीपिटल हो गया। फिर मैं बात कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट एक्ट्स ऑलवेज कैसा रहेगा रेडियली आउटवर्ड टू द सेंटर। वो किधर लगेगा बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल रेडियली इनवर्स टू द सेंटर हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। और वो कैसे लगेगा बाहर की तरफ लगेगा अगर सेंटर के केस में। तो ये हमारे पास में सारा केस क्या हो गया था इसका हो गया था। लेकिन अब मैं अगर बात करता हूँ आपसे बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ किसकी मैं बात कर रहा हूँ बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स की। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स क्या होता है। देखिए जब भी आप
किसी भी हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव करते हो, जब भी आप उसको क्या करोगे, कहीं से टर्न ऑफ करोगे या अपनी गाड़ी को क्या करोगे, टर्न करोगे, तो हमारे पास में गाड़ी इस तरीके से झुक जाती है। तो वहां पे क्या मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स, जहां पर रोड क्या होते हैं, कर्व टाइप में होते हैं, तो वहां थोड़ा सा क्या होता है, झुकाव होता है। वो झुकाव क्या होता है रोडों के अंदर, आपने देखा होगा, क्यों होता, क्या कारण होता है, वहां पे ये सारी चीज देखना है कि अगर वो झुकाव नहीं दिया तो आप आसानी से गाड़ी को सेफ टर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया जाएगा, बैंकिंग ऑफ रोड कह देते हैं, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स कह देते हैं। तो उस तरीके से आप देखिए कि आपने सबसे पहले क्या देखा कि एक इस तरीके से होता है कि ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल रोड है, तो वो ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, बेंट होता है, क्या होता है, बेंट होता है। तो आपने देखिया कि ये हमारे पास में कोई एक सरफेस है और ये हमारे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है। क्या चीज है हमारे पास में, इंक्लाइन प्लेन हो गया, जिसके बीच में एंगल क्या चीज है, थीटा, और ये जीरो है, ठीक है। ये हमारे पास में एक ओ पॉइंट हो गया और ये बीच में हमारे पास में क्या हो गया, थीटा हो गया। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स के बीच में अगर आप देखोगे, मैं इनको कर्व पाथ में देखो थोड़ा सा, इस तरीके से ये रोड है, ये हमारे पास में एक कर्व रोड है। इस तरीके से हमारे पास में रोड की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने जब इस तरीके से आप देखोगे बेटा, देख लेना, थोड़ी सी आर्ट में हम कमजोर है, ये हमारे पास में क्या चीज है, एक गाड़ी है। क्या चीज है, गाड़ी है, देख लें, कोशिश करते हैं हम अपने इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी में बात कर रहा हूं, ये हमारे पास में एक फॉर्मेट हो जाएगा कि हमारे पास में गाड़ी है। डिजाइन देखते हैं, ये हेडलाइट हो गई और इस तरीके से क्या हो गया, ये चैम्बर हो गया। यहाँ कोई आदमी इस तरीके से बैठा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, इसको ड्राइव कर रहा है। ये हमारे पास में फोक्स हो गया। तो अगर मैं इसकी मैं बात कर देता हूँ, इसका जो वेट है, गाड़ी का जो वेट है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से बात कर ले, चलिए ये एक पॉइंट मान लिया, गाड़ी का जो वेट है वो नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। वेट ऑफ द कार क्या चीज है, एमजी है। क्या चीज है, एमजी है। लेकिन इसी को अगर हम बात कर से, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास में क्या चीज है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। आर, आर क्या चीज है हमारे पास में, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया। जब नॉर्मल रिएक्शन है तो नॉर्मल रिएक्शन हैविंग एन एंगल थीटा, तो बेटा एक ये है हमारे पास में, जिसको ये हमारे पास मिल रहा आर, दिस इज द थीटा। क्या चीज है, थीटा। तो ये क्या रहेगा, आर कॉस थीटा, और यहां से इस डायरेक्शन में क्या रहेगा, ये रहेगा आर साइन थीटा। देख लिया, ये दो कंपोनेंट्स हमारे लगेंगे, रिजॉल्व हो जाएगा किसके, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की फॉर्मेट में, क्योंकि दिस इज द थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज द नॉर्मल एमजी। द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी या कार इज बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस फोर्स से हमारे पास में क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो एफ है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से, देखिए यही तो है हमारे पास में, एक फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक हमारे पास में इस तरीके से ये रिजॉल्व होगा टू पार्ट्स के अंदर, क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स के अंदर ये हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। दिस इज एंगल थीटा और ये हमारे पास में क्या चीज है, एफ है। तो ये थीटा हो गया, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेटा एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये फ्रिक्शन फोर्स का कारण है। यहां तक चेक कीजिए, अगर आपको किसी को कोई डाउट है, दिस इज द बैंकिंग ऑफ रोड की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं कि बैंकिंग ऑफ रोड
इज डिफाइंड एज, मैं बात करता हूं बैंकिंग ऑफ रोड की, तो बैंकिंग ऑफ रोड इज डिफाइंड एज द फिनोमेना इन विच द एजेस, अगर मैं बात करता हूं द एजेस आर रेज फॉर द कर्व सरफेस अबव द इनर एज टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल सो दे टेक टर्न सेव, ठीक है, सो दे टेक इन टर्न सेव। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बैंकिंग ऑफ है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, तो लिखिए बैंकिंग ऑफ रोड इज डिफाइंड एज, बैंकिंग ऑफ रोड इज डिफाइंड एज द फिनोमिना in which the ages are raised for the curve roads above the inner is provide a necessary centripetal force, क्या जाता है, force to the vehicles so they take, क्या हो जाएगा, a safe turn, ठीक है, so they take turn, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। देखिए जो भी हमारे पास में दिस F इज द फ्रिक्शन फोर्स नाम लिया गया, क्या लिया गया, फ्रिक्शन फोर्स। ये रोड इस तरीके से कर रहा है, मतलब इस तरीके से कर रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है हमारे पास में, एक सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पे क्या लग रहा है हमारे पास में, सेंटीपीटल फोर्स लग रहा है। बट वर्टिकल पे क्या करता है, एमजी फोर्स क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, किसके साथ में, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द थीटा इज द बैंक एंगल, क्या चीज है, बैंक एंगल की अगर मैं बात कर देता हूं, यहां दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो इसके अंदर आ जाएगा, यहां से देख रहा हूं मैं, बैंक एंगल की मैं बात कर रहा हूं, बैंक एंगल, व्हाट इज द बैंक एंगल, बैंक एंगल क्या चीज होता है, द एंगल एट विच द व्हीकल इज इंक्लाइनेड इज नोन एज क्या हो जाएगा, बैंक एंगल, ठीक है, दिस इज द बैंक एंगल, इसको क्या कहेंगे, बैंक एंगल कहेंगे। अब यहां पर क्या रहेगा कि हमारे पास में, मैं इसकी मैं बात कर दूं, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ कर्व रोड विद द रेडियस आर विद वेलोसिटी वी, ठीक है, क्या रहेगा, विद वेलोसिटी वी विद एन इंक्लाइनिंग एंगल, क्या रहेगा हमारे पास में, थीटा। तो इस केस की अगर मैं बात कर देता हूं, तो देखिए मैं ये रब कर देता हूं, बाकी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहां से इनसे इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है, इक्वेशन हमें बनानी है, ये सारी चीज आप याद रखना, ये मैं इतना मिटा देता हूं जिससे रोड दिखाई तो दे रहा होगा कि हमारे पास में, मान लेते हैं अगर मैंने एक बार और कह दिया हूं, सपोज अ कार हैविंग द वेट, हमारे पास में क्या चीज है, एक कार है जिसका वेट क्या चीज है, mg है, आर मूविंग ऑन अ कर्व रोड विद रेडियस r, ठीक है, विद वेलोसिटी v, हैविंग एट एन एंगल थीटा, इंक्लाइनिंग प्लेन एन एंगल थीटा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बैंक एंगल कह देते हैं। द फोर्स ऑन द व्हीकल आर गिवन एज, नाउ The forces, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं मैं, forces acting on the vehicle,
व्हीकल आ, पहला फोर्स हमारे पास में, सबसे पहला फोर्स क्या चीज है, एमजी। मैं एमजी की मैं बात करता हूं, वेट की मैं बात कर रहा हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं, वेट की, वेट एमजी, वेट एमजी ऑफ अ कार का वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो वेट एमजी ऑफ अ कार वर्टिकली क्या रहेगा हमारे पास में, डाउनवर्ड रहेगा। तो ये केस हो गया, तब वेट एमजी ऑफ अ कार एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा केस अगर मैं बात करता हूं, नॉर्मल रिएक्शन, किसकी मैं बात करता हूं, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन क्या है हमारे पास में, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, आर हो गया ऑफ द रोड, नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड। अगर मैं इस रोड की मैं बात कर देता हूं, ठीक है, एट एन एंगल थीटा वर्टिकली, वर्टिकली, तो ये भी हमारा क्या चीज है, जो नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ द रोड एट एन एंगल थीटा वर्टिकली। अगर मैं थर्ड केस की मैं बात करता हूं, फ्रिक्शन फोर्स, एक और है हमारे पास में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या चीज है हमारे पास में, एफ हो जाता है, वो क्या हो रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, क्या रहेगा हमारे पास में, प्लेन। ये हमारे पास में केस में, दीज आर द फोर्स, ध्यान देना, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज द वेट, ठीक है, ऑफ द बॉडी एक्टिंग ऑन द वर्टिकली एंड नॉर्मल रिएक्शन हैविंग एट एन एंगल थीटा, ठीक है, वर्टिकली डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर मैं बात कर देता हूं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, किसकी मैं बात कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल फोर्स की। अब देखिए यहां से इक्वेशन, अगर मैं एक बार मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये पार्ट हमारे पास में क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये सेंटर, ये कर्व है, रोड एक कर्व टाइप में, इसका मतलब सर्कुलर पार्ट में कोई भी बॉडी क्या कर रही है, मूव्स कर रही है। तो आर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ साइन थीटा, आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हमारे पास में एफ का फ्रिक्शन फोर्स का। तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर मैं बात कर देता हूं, तो पहली जैसे ही मैं बात करता हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स आर गिवन बाय, गिवन बाय, तो हमारे पास में क्या रहेगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस दिस एफ कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, वेयर, वेयर एफ सी इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या रहता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, दिस इज द इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं वर्टिकल कंपोनेंट्स की, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, अब मैं क्या कहता हूं, वर्टिकल फोर्स आर गिवन बाय, गिवन बाय, तो देखिए अगर मैं इसकी मैं बात कर देता हूं, हमारे पास में क्या चीज है, हमारे पास में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये, तो ये दो फोर्स हैं हमारे पास में, एफ साइन थीटा प्लस एम जी विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, आर कॉस थीटा। देख लीजिए बेटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या रहेंगे, द डाउनवर्ड फोर्स, द सम ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्स, तो हमारे पास में दोनों फोर्स इसके बराबर हो गए। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, ये आगे मैंने आर, आर कॉस थीटा
दिस इज आर कॉस थीटा, ये है रहने दिया, इसको ले गया माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दिस इज द कॉस थीटा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रख लेना, कहीं आप गड़बड़ करते रहे। ये हमारे पास में इस तरीके से ये हो जाएगी। अब आपने देखा कि हमने क्या देखेंगे कि अगर मैं इन इक्वेशन को देखिए, हमारे फोर्थ में मैं पूरा आर्टिकल मिटा देता हूं, दोबारा से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने ये कंपोनेंट्सों को कंपेयर किया है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स थीटा के साथ में, तो मैंने इसके दो पार्ट्स के रिजॉल्व कंपोनेंट ले लिए इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस कंपोनेंट की फॉर्म में। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन के दो फोर्स ले लिए, किसके, हमारे पास साइन एंड कॉस के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज आप देखिए, किसी को कोई डाउट हो तो देख लिया आपने। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये दिखा दिया। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनी है, एक तो बनी है ये, मैं यहां लिख देता हूं, क्या बनी है, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इक्वेशन थर्ड कह दिया था। और एक बनी है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी, इक्वेशन 4। ये हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई थी। इन्हीं इक्वेशंस को मैंने क्या देखा, नाउ एक और मैं बात करता हूं, नाउ द फ्रिक्शन फोर्स, नाउ द फ्रिक्शन फोर्स इज, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास में क्या चीज है, एफ म्यू आर, क्या चीज है हमारे पास में, ये फ्रिक्शन फोर्स है। एक वो मैंने इक्वेशन स्टार मान लिया। म्यू क्या चीज है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन और एफ इज द फ्रिक्शन। तो ये हो गया। नाउ नाउ डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 4, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, साइन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा, आर, ठीक है, ओवर में। इसको डिवाइड तो किया है, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और ये किस किस के बराबर आ जाएगी हमारे पास में, एम जी एम जी एम जी, तो इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये इक्वेशन आ जाती है आर साइन थीटा एफ कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। ये इक्वेशन नंबर 5। यहां तक किसी को कोई डाउट हो इक्वेशन 5 तक तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन स्टार बाय किसके, किससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, बाय आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो इससे हमने डिवाइड किया, तो देखिए मैं इसको कहता हूं, ये हो गया आर साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दिया आर कॉस थीटा से, प्लस एफ था एफ कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा, ये आ गया अपॉन में। अगर मैं बात कर देता हूं, ठीक है, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर में आर। यहां तक किसी को कोई डाउट, देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो जाता है, कॉस से कॉस, कॉस से कॉस, आर से आर,
यहां हमारे पास में कॉस चेंज नहीं होने वाला। तो क्या आता है फर्स्ट में साइन ओवर में कॉस क्या रह गया, यह गया टाइन थीटा प्लस एफ अपॉन में आर, ये बचेगा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से बात कर दूं दिस इज द वन माइनस एफ अपॉन में आर, क्या चीज है एफ अपॉन में आर, और ये क्या रहेगा टाइन थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आपको पता है नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, स्टार से अगर आप यहां से निकालते हो एफ अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ अपॉन में आर को क्या लिख देता हूं मैं म्यू लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं म्यू लिख देता हूं। तो देखिए हमारे पास में एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, एक और इक्वेशन हमारे पास में निकल कर आ गई है, वो है हमारे पास में टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है ओवर में वन माइनस म्यू हमारे पास में क्या जाएगी टेन थीटा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। यहां से मैंने वेलोसिटी निकाल ली वी स्क्वायर, तो आर जी हमारे टाइम में क्या रह जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू ओवर में वन माइनस म्यू क्या रहेगा टेन थीटा, दिस इज द फॉर्मेट। और अगर मैंने वेलोसिटी निकाल लिए तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा आर जी, और ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस क्या हो गया म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू क्या हो जाएगा टेन ऑफ थीटा। ये हमारे पास में एक स्टडी केस आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा वेलोसिटी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। वी इज द क्या चीज है हमारे पास में वेलोसिटी, क्या आ गया ये हमारे पास में v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी है हमारे पास में v, अरे v v इज द वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है मूविंग ऑन अ बैंकिंग रोड, ये हमारे पास में इसकी स्पीड आ गई। अगर मैं बात कर देता हूं स्पेशल केसेस की में बात है स्पेशल किसकी में बात है स्पेशल केसेस, तो देखिए स्पेशल केसेस की अगर मैं बात कर देता हूं हमारे पास में ये क्या चीज है म्यू है, ये कह देता है व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड एंड टायर्स, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा मैंने बताया था ना वेयर म्यू 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 क्या चीज है म्यू इज द कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड्स, तो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, ठीक है। तो हमारे पास में म्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास में जो आ जाएगी सो दैट दैट द सेफ लिमिट, सेफ लिमिट लिमिट क्या रहेगी हमारे पास में किसकी फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी मैं बात कर रहा हूं फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, बताइए रख दीजिए म्यू जीरो है तो सेफ लिमिट कि किस स्पीड से हम सेफ हो जाएंगे, तो देखिए हमारे पास में वी है, ठीक है तो ये हमारे पास में क्या रहेगा अब देखिए ये आ जाएगा वी, ठीक है वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, आर जी तो म्यू जीरो तो क्या आएगा टेन थीटा प्लस जीरो ओके अपॉन में हमारे पास में क्या था वन माइनस जीरो टेन ऑफ थीटा, ये केस रहेगा तो ये जीरो रह जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास में आर जी टेन थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास में क्या रहेगा v स्क्वायर अपॉन में आर जी, ये केस रहेगा क्या रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन में आर जी, ये केस रहेगा दिस इज थीटा, वेयर इज द थीटा थीटा इज द बैंक एंगल, क्या चीज है हमारे पास में थीटा, क्या चीज है हमारे पास में ये बैंक एंगल रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास में थीटा हमारे पास में बेटा बैंक एंगल हो जाएगा। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर
दिस इज द थीटा, भाई इसको क्यों मत समझ लेना, ये थीटा है। तो आज के इस केस के अंदर मैंने आपको बताया कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बैंकिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताई कि वी हमारे पास में स्पीड जो रहेगी आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन में वन माइनस म्यू टेन थीटा, दिस इज द सेफ वेलोसिटी मूविंग ऑन द बैंकिंग रोड बाय द कार। कार के द्वारा जब आप इसको चलोगे तो हमारे पास में सेफ वेलोसिटी आ जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का केस अगर दे सकते हो द सेफ लिमिट फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज इक्वल टू जीरो, देन द हमारे पास में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। यहीं से अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द बैंकिंग एंगल, दिस इज द बैंकिंग एंगल स्क्वायरिंग बोथ साइड टेन थीटा, टेन थीटा आपने यहां से निकाल लिया तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, दिस इज द बैंकिंग एंगल। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि आपने किस तरीके से आपने क्या पढ़ा है, बैंकिंग एंगल आपने इस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा है। एक और हमारा टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक का उसको मैं और आपको अगले उसके अंदर मैं बताता हूँ, इसी का एक और पार्ट बनाऊंगा सेकंड पार्ट, जिसका नाम है आपका बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, क्या रहेगा आपका बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो चलिए मैं अब आपको अगला एक और टॉपिक करा देता हूँ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, क्या मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड सिमिलर एज दैट ऑफ, इसी के समान है हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या हो गया है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट तो देखिए बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं व्हेन अ साइक्लिस्ट मूव्स अराउंड अ कर्व पाथ, सीधी सीधी सी बात है, जब कोई साइक्लिस्ट कर्व पाथ के अराउंड क्या करता है मूव्स करता है, ठीक है, अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड, क्या हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा प्रोवाइड हो गया, कि कोई भी साइक्लिस्ट जब क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर क्या लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेगा, इट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड। अगर मैं ये कह देता हूं इफ द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इफ द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड साइक्लिस्ट इज वेरी स्मॉल, क्या रहेगा हमारे पास में वेरी स्मॉल रहेगा, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड, ये भी हमारे पास में क्या रहेगा केस रहेगा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी हमारे पास में क्या रहेगा, अगर एक हमारे पास में ये क्या चीज है वर्टिकल डायरेक्शन है, क्या चीज है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे पास में कोई क्या चीज है, थोड़ा सा देखना क्योंकि साइकिल बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है, ये कोई साइकिल है तो इसके साथ में ये क्या लग रहा है एक एंगल लग रहा है थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये क्या चीज है वर्टिकल, क्या चीज है वर्टिकल, ये दोनों केस आपने देख लिए, ये हमारे पास में कोई डिस्टेंस है क्या चीज है आर है, आर आर मीन्स हमारे पास में रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास में जब ये रोड रहेगा, अगर मैं ये मैं बात कर रहा हूं क्या रहेगा ये रोड रहेगा, ठीक है, मैं एक साइकिल की मैं अगर मैं बात कर रहा हूं थोड़ा देखना ये, ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका साइकिल का क्या रहेगा हैंडल रहेगा, क्या रहेगा साइकिल का हैंडल, इस तरीके से मैंने बता दिया ये क्या चीज है एक हैंडल है, दिख रहा है ना ये हैंडल है, ये कोई क्या बन गई हमारे पास में साइकिल है। साइकिल के ऊपर अगर मैं बात करता हूं दिस इज द सेंटर पॉइंट, अगर इस सेंटर पॉइंट पे हमारे पास में क्या चीज है वेट हो गया, क्या हो गया वेट हमारे पास में होगा, तो ये जो वेट रहेगा ये किसके द्वारा बैलेंस रहेगा, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास में क्या लग रहा है रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है रिएक्शन फोर्स, दिस इज द थीटा, और ये रहेगा हमारे पास में आर साइन थीटा, और ये रहेगा आर कॉस थीटा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या रहेगा हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन, इट मीन्स द वेट ऑफ द साइक्लिस्ट इज बैलेंस बाई द
क्या चीज रहेगा हमारे पास में, आर कॉस थीटा, द कंपोनेंट ऑफ आर कॉस थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय द एमजी वेट, ठीक है, बट दिस फोर्स द आर साइन थीटा, द कंपोनेंट ऑफ आर साइन थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही हमारे पास में केस रहेगा। इसमें बड़ा ही सिंपलेस्ट फॉर्म है कि अगर मैं ये बात कर देता हूं कि जब हमारे पास में कोई भी साइक्लिस्ट मूव करता है इनर साइन में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है हमारे पास में उसके ऊपर हो जाता है। इसका मतलब ये है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चीज है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, पीटल फोर्स, ओके, आर साइन थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं द वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड to the weight, of mg, ठीक है, तो हमारे पास में वेट mg, यस वेट क्या रहेगा हमारे पास में mg of the cycle and the cyclist। तो भैया ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दिस इज द इक्वेशन टू, कर दीजिए, इसको करने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो चलिए इस साइकिल को मिटा देते हैं। इस साइकिल का एक और आपको जब वीडियो आप देखोगे तो आपको एक अच्छा डायग्राम और मिलेगा। तो आपने क्या कम कर दिया, नाउ इक्वेशन, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा ओवर में आर कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या लिख दू मैं एम जी आर, ये डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आर से आर हो गया, दिस इज द टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, ठीक है। अगर मैं, ये तो हो गया टेन थीटा की बात, क्या हो गया टेन थीटा की बात। अगर आप यहां से वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो बेटा पहले यहां से, चलो वेलोसिटी बाद में निकालते हैं, यहां से अगर मैं बात कर देता हूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर, दिस इज द, ये क्या चीज है, बेंडिंग एंगल ऑफ द साइक्लिस्ट। अगर वी की मैं बात कर देता हूं तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट क्या हो जाएगा आर जी क्या रहेगा टाइम थीटा। भाई क्या प्रॉब्लम है दोनों में, कार के लिए भी यही रहेगा और साइकिल के लिए भी यही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ये बात कर देता हूं इट मीन्स द थीटा इज डिपेंड्स, थीटा किस किस पे डिपेंड करता है, थीटा हमारा डिपेंड करता है स्पीड और हमारे पास में आर पे, आर क्या चीज है हमारे पास में कोई भी रेडियस है, किसकी मैं बात कर देता हूं रेडियस की मैं बात कर देता हूं। अगर मैं ये कह देता हूं कि हमारे पास में द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज टू स्मॉल, ठीक है, हमारे पास में एन कर्व रोड इज शार्प, यदि रोड शार्प है और रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज वेरी स्मॉल देन द स्पीड इज वेरी लार्ज, क्या रहेगा स्पीड इज वेरी लार्ज। तो ये सारा केस आपने क्या लिख लिया, साइक्लिस्ट का पढ़ लिया।
तो ये हमारे पास में यूनिट सेकंड आज आपकी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। क्या होगी आपकी यूनिट सेकंड इज कंप्लीट होगी। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो रहेगी आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वर्क वाली है, जिसके हम अंदर हम वर्क की डेफिनेशन बताएंगे, वर्क के कंसेप्ट को समझाएंगे कि वर्क किस तरीके से काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन क्या रहता है। उसी में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे, एनर्जी वाला पार्ट पढ़ेंगे, पावर वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में अब नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट होगी। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।